अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 10 तारीख है, 10/10/2023। ये हमारी प्यारी सी गुड़िया है जबार भाई, इनका नाम क्या है? उमैमा। ये उमैमा भाजी हैं जी, उमैमा। ये बहुत प्यारी बच्ची हैं, ये मेरे दोस्त जबार भाई की छोटी बेटी हैं, शर्मा रही हैं। नाज़रीन, ये आज वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम आपको बताएं कि हमारे जो हम मुतवस्सित घराने हैं, हम कैसे गुजारा कर रहे हैं आजकल। ये जबार भाई हैं, ये 11 बज चुके हैं, सुबह ये काम में मसरूफ़ थे, ये लो ते टाइम पे नाश्ता नहीं कर सकते, तो ये अभी अपने नाश्ते का बंदोबस्त, ये खाना इनके घर से आ गया है बन के। ये रोटियाँ जबार भाई है। अच्छा, माशाल्लाह। ये देखें जी नाज़रीन, ये रोटियाँ हैं घर की बनी हुई, बड़ी प्यारी। देखें कितनी प्यारी गोल गोल रोटियाँ। ये हमारे घरों में ये एक ट्रेंड है कि हम बच्चियों को खाना बनाना सिखाते हैं, तो ये हमारे घर से आई हैं, जबार भाई के घर से हमारी बहू ने बना के भेजी हैं गोल रोटी और ये सालन। तो ये जबार भाई फिर अपनी मदद आपके तहत अपना सलाद बनाते हैं। ये देखें जबार भाई बड़ी मेहनत से, लगन से ये अभी तैयार कर रहे हैं अपना सलाद। इसमें खीरा है, प्याज है और टमाटर है, उसमें नमक और क्या डालेंगे भाई? नींबू डालेंगे और इसमें नींबू डालेंगे। तो ये फिर इसके साथ ही अपना खाना खाएंगे और यही खाना बरकत बन के इसके जिस्म को, इनके जिस्म को ताकत देगा, अल्लाह ताला ने जैसे फरमाया है। तो सुबह उठ के ये काम पे चले जाते हैं। नहीं जबार भाई, मैं तो नाश्ता करके आया हूँ, तो नहीं अल्लाह, नहीं नहीं अल्लाह आपको बहुत दे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। तो नाजरीन, ये मैं आपको बता रहा था कि जबार भाई अब 11 बजे नाश्ता करेंगे, तो उसके बाद फिर ये अपनी शॉप है इन्होंने बनाई हुई है मोहल्ले में। तो यहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया, जिसे हम ग्रॉसरी कह सकते हैं, वो इन्होंने रखी हुई है। बिस्किट्स हैं, सर्फ है, साबुन है, पापे हैं, चाय की पत्ती है, दूध है डब्बे वाला, थोड़ी बहुत ये सिगरेट भी रखते हैं लेकिन बहुत कम बेचते हैं, दालें हैं और ये चीनी है, ये चावल हैं, ये सलवा क्या कहते हैं निम्को है, तो सेल्स ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। जबार भाई की एक बात मैं आपको बता दूं, ये सिगरेट बच्चों को नहीं बेचते। मैं कई दफ़ा इनके पास बैठा होता हूं तो बच्चे आते हैं सिगरेट लेने, तो ये बिल्कुल इनकार कर देते हैं। ये मजबूरन ये कुछ सिगरेट्स हमने रखे हुए हैं ताकि ये जो बुज़ुर्ग जो आदि हैं, अडेक्ट लोग हैं, उनके लिए ये चलो एक बिक जाती हैं। तो ये निम्को है जबार भाई की मशहूर, ये निम्को मंडी से ला के ख़ुद इसको प्रोसेस करते हैं, इसमें कुछ और ऐड करते हैं सेहतमंद चीज़ें, जिससे ये नुकसान नहीं होता मैदे को। ये देखें, इन्होंने शापर बंद करके रखा हुआ है, खुला नहीं रखा हुआ ताकि मक्खियाँ ना बैठें। ये अचार बेचते हैं, तो अचार भी पैकिंग वाला, और जबार भाई ख़ुद अपना अचार तैयार कराते हैं, तो वो कभी मैं आपको दिखाऊँगा। इस वक्त ख़त्म हुआ पड़ा है, तो जबार भाई इतनी बड़ी ड्रमी है तो उसमें जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरे आम, गाजरें, नींबू, दूसरी चीज़ें वो ला के और खालिस तेल ला के ना, तो उसका ये अचार बनाते हैं। मैं ख़ुद भी इनको रिक्वेस्ट करता होता हूँ कि जब भी आप बनाएं मुझे दिया करें, तो ये मुझे भी देते हैं अचार, मैं घर के ले जाता हूँ। तो आप दोस्तों को जब भी अचार की ज़रूरत हो तो जबार भाई से आप रेसिपी ले सकते हैं, ताकि आप भी अपने घरों में ये अचार बनाएँ। आज मैंने आपको दिखाया बस्ती खुदादाद, मुल्तान कैंट के बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ पे हमारा ये छोटा सा जबार भाई का डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप बना हुआ है, और ये मैंने आपको दिखाया। फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको कोई और चीज़ दिखाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।